हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरखा। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वैज्ञानिक आमतौर पर अपने प्रयोग में चूहों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सन 1902 में फ्रांस के जीव वैज्ञानिक लुइसियन कैनॉट द्वारा आनुवंशिक अनुसंधान के लिए चूहों पर पहली बार प्रयोग किया गया था। बहुत से कारण हैं जिसके अकॉर्डिंग जो वैज्ञानिक है वो चूहों पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला कारण हमारा, चूहों के जीन्स इंसानों से लगभग 90% मेल खाते हैं। जी हाँ, मेडिकल भाषा में चूहों का जेनेटिक्स बायोलॉजिकल और व्यवहार संबंधित लक्षण मनुष्य से मिलते जुलते हैं, इसलिए वैज्ञानिक आमतौर पर चूहों का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हम इंसानों की तरह ही चूहों को भी कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं, जिससे हम बीमारियों पर आसानी स्टडी कर सकते हैं। तीसरा, चूहों का लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है। चौथा, चूहे किसी भी वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। पांचवा, चूहों का आकार छोटा होता है तथा रिसर्च के दौरान यह स्थिर व शांत रहते हैं। छठा, चूहों की एक पीढ़ी का अध्ययन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कम खर्च में चूहों की ज्यादा संख्या पर प्रयोग कर सकते हैं। सातवां, भारत में लगभग 103 चूहों की प्रजातियां पाई जाती हैं। होप सो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।